इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी थी पुलिस, देखते ही भाग पड़े इमरान खान के करीबी फव्वाद चौधरी, अंजना कश्यप हुई ट्रोल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट परिसर के बाहर मंगलवार को एक बार फिर से खूब गहमा गहमी देखी गई। यहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ पीटीआई के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री फव्वाद चौधरी तेजी से कोर्ट परिसर के अंदर भागते दिखे। दरअसल इस्लामाबाद पुलिस ने फव्वाद चौधरी सहित पीटीआई के अन्य नेताओं को शांति भंग करने की एक सोची समझी योजना के तहत आगजनी और हिंसक विरोध प्रदर्शन को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद फव्वाद चौधरी कोर्ट परिसर के बाहर निकले और अपनी सफेद एसयूवी में बैठ गए। हालांकि वहां बाहर ही पुलिस खड़ी थी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखी। ये देखकर फव्वाद ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और फिर तेजी से भागते हुए कोर्ट परिसर के अंदर घुस गए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस फव्वाद चौधरी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पीटीआई नेता को इसकी भनक लग गई और वे तुरंत कोर्ट के अंदर भाग गए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कोर्ट के अंदर भागते फव्वाद चौधरी का वीडियो शेयर किया है। इसी क्रम में आज तक एंकर अंजना कश्यप भी ट्रोल हो गई हैं। आज तक एंकर ने पोस्ट में कहा, पाकिस्तान में समय भाग फव्वाद भाग, जिस पर एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान के अलावा कुछ और है आपके पास दीदी? तो महावीर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, लो भाई नोएडा आईटी सेल मीडिया का पाकिस्तान प्रेमी गैंग एक्टिव हो गया, ये सोच करके क्या पता पाकिस्तान से ही भाजपा के पक्ष में कुछ माहौल बन जाए। तो एक यूजर ने लिखा, अरे आपने इंडिया से जो पैसा लूट कर भागे हैं, कभी उनके इंटरव्यू ले लो, पाकिस्तान तक पहुंच गई तो अंजना मोदी जी। एक और यूजर लिखते हैं, अंजना जी मणिपुर की कोई न्यूज हो तो ट्वीट करो, सेम सिचुएशन है वहाँ भी। तो एक यूजर ने लिखा, पत्रकारों की दाल भारत में नहीं कर रही, इसलिए इन्होंने अब पाकिस्तान का रुख कर लिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।